परमेश्वर चाहता था सब उसी पर आधारित हो। यहाँ तक कि मनुष्य की ओर से जो प्रतिनिधि था वो तो परमेश्वर था जो मनुष्य बना। परमेश्वर नहीं चाहता था कि हम में से कोई भी मनुष्य जाति का प्रतिनिधि हो जाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, उसे प्रतिनिधि बनाया कि वो कभी असफल न हो, वो कभी पाप न करे, वो कभी न गिरे और हमें कभी असफल न करे, इसलिए कि वाचा सदा के लिए स्थापित की जाए। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 वचन 26 से आगे। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का यानी नई वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हम पिछले कुछ हफ्तों से नई वाचा के विषय पर सिखाते जा रहे हैं और ये वचन हमें बताता है कि नई वाचा तो लहू की वाचा है, क्योंकि यीशु ने कटोरा लिया और उसे चेलों को पीने के लिए दिया और फिर उसने कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा लहू है नई वाचा का। देखिए यहाँ पर ये बताता है, ये तो नई वाचा के मेरे लहू को दर्शाता है। और जैसे आप जानते हैं, ये विधि जिसे प्रभु भोज कहते हैं, जिसे हमने अभी सबने यहाँ पर इसे लिया है, ये केवल तभी नहीं माना गया था जब यीशु ने यहाँ पर इसे दिया, लेकिन ये तो कई युगों से चर्च में माने जाने वाली ऐसी विधि है। क्योंकि केवल ये नहीं कि ये एक अच्छी विधि है, लेकिन इसमें बहुत सा अर्थ है और यही मसीह विश्वास का सार है। कलवरी के क्रूस के ऊपर जो हुआ, यानी लहू बहाया गया, हमारे लिए वो देह तोड़ी गई,
और क्रूस पर यीशु की मृत्यु हुई और इससे नई वाचा शुरू हो गई। यही मसीह शिक्षा का सार होता है और इसे हमारे सामने रखने के लिए कि हम इसे न भूलें, क्योंकि हम भूलने वाले व्यक्ति हैं। इसे हमेशा हमारे सामने रखने के लिए परमेश्वर ने ये एक विधि को यहाँ पर हमेशा के लिए रखा है। और देखिए, मसीह जीवन में बहुत से बाहरी ऐसी कोई और विधियाँ नहीं हैं, मसीहत तो ये भीतरी बातों के लिए है। केवल दो ही बाहरी विधियां हैं और इसका बहुत बड़ा अर्थ होता है, एक तो पानी में डुबकी का बपतिस्मा लेना और दूसरा प्रभु भोज की विधि है। ये दोनों केवल विधियां ही नहीं हैं जिसे हम बस ऐसे ही करें, लेकिन ये तो ऐसी विधियां हैं जिनमें बहुत अर्थ होता है। यानी देखिए, पानी का जो बपतिस्मा है जिसे केवल एक बार लेते हैं, हर महीने नहीं लेते, कुछ लोग शायद करते हैं मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने आधा दर्जन बपतिस्मा लिया है। कम से कम एक ने काम करना चाहिए। लेकिन प्रभु भोज हम लेते हैं और नियमित रूप में हम इसे लेते हैं। कुछ जगह पर इसे हर रोज करते हैं, कोई हर हफ्ते करते हैं और हम हर महीने करते हैं। इसके लिए कोई खास एक नियम नहीं है, लेकिन हम इसे करते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस मसीह विश्वास को बनाकर रखना चाहते हैं। इन सारी बातों का पूरा अर्थ लोगों के सामने रखते हैं प्रभावी तरीके से इसके द्वारा। ठीक है, तो हम नई वाचा के बारे में कह रहे हैं। नई वाचा को समझने के लिए हमें यहाँ पर लहू की वाचा को समझना होगा। मैं मनुष्य जाति में लहू की वाचा की परंपरा के बारे में कह रहा हूँ। मैंने आपको ये दिखाया कि लहू की वाचा, इसमें ऐसी कुछ बातें हैं जो इसके साथ में चलती हैं, जैसे कि अपने वस्त्र बदलना, जो ये दर्शाता है। देखिए, इन सब का अर्थ है, दो पार्टी वाचा में एक दूसरे के साथ अपने वस्त्र बदलते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को ये बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हारा है, और इस तरह से वो इसे एक दूसरे को बताते थे। और इसी तरह से वो एक साथ भोजन करते थे वाचा के भोज में। देखिए, सबका अर्थ था, और वो अपने हथियार एक दूसरे को देते थे। ये दिखाता है कि कैसे वो अपना बल एक दूसरे को बांटना चाहते थे। अगर कभी दूसरे व्यक्ति को इनके बल की ज़रूरत होती तो वो हमेशा उसके लिए उपलब्ध होता। तो इन सभी का बहुत बड़ा अर्थ है, और इनमें से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। और लहू की वाचा में इसका संबंध देखेंगे। पिछले हफ्ते लहू की वाचा का लहू देखा, और आज मैं शपथ के बारे में बताऊँगा। नई वाचा की शपथ, परमेश्वर की शपथ। बाइबल कहती है कि इन सारी बातों के साथ में एक और काम होता था, और वो था प्रतिज्ञाएँ दी जाती थी। जब वाचा, लहू की वाचा बांधी जाती थी, तो दोनों पार्टी आपस में एक दूसरे से प्रतिज्ञा करती थी। इसे वाचा की शर्तें कह सकते हैं। हमें उन शर्तों को मानना होगा। लेकिन जब परमेश्वर और हमारे बीच की वाचा की बात आती है, ये तो एक तरफा है। परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा करता, और हम कोई प्रतिज्ञा नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। ये सारी बात, परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये सारी बातें हमारी प्रतिज्ञाओं के ऊपर में आधारित रहे। अगर ये हमारी प्रतिज्ञा पर आधारित होता तो ये स्थिर नहीं रहता, टूट जाता, ये व्यर्थ हो जाता, क्योंकि हम प्रतिज्ञा तोड़ने में माहिर हैं। तो परमेश्वर चाहता था सब उसी पर आधारित हो, यहां तक कि मनुष्य की ओर से जो प्रतिनिधि था वो तो परमेश्वर था जो मनुष्य बना। परमेश्वर नहीं चाहता था कि हम में से कोई भी मनुष्य जाति का प्रतिनिधि हो जाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, उसे प्रतिनिधि बनाया कि वो कभी असफल ना हो, वो कभी पाप न करे, वो कभी न गिरे और हमें कभी असफल न करे, इसलिए कि वाचा सदा के लिए स्थापित की जाए। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और उसने उसे अपना प्रतिनिधि बनाया। मनुष्य के रूप में वो हमारा प्रतिनिधि हो गया। यानी वाचा की प्रतिज्ञाएं तो एक तरफा थी, ये तो ऐसा समर्पण है जो परमेश्वर ने दिया था। और इस समर्पण के बारे में एक बात जो परमेश्वर ने दी थी, प्रभु ने प्रतिज्ञाएं दी, वो ये है, परमेश्वर ने अपने ही नाम की शपथ ली थी जब उसने ये प्रतिज्ञाएं दी। मेरे साथ देखिए इब्रानियों अध्याय 6। हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को देखेंगे और प्रतिज्ञाओं के बारे में पूरे विचार को देखेंगे और इसे नई वाचा के संबंध में देखते जाएंगे। और आप पहले से ज्यादा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की सराहना करेंगे। बहुत से लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञा के बारे में कोई सराहना नहीं करते हैं, वो तो केवल इसे सामान्य बात सोचते हैं। लेकिन जब आप ये समझते हैं कि ये तो वाचा के आधार पर, यानी लहू की वाचा के आधार पर बनाई गई, और परमेश्वर जो झूठ नहीं बोलता है,
और उसने देखा कि यह ऐसे दी गई कि हम समझ सके कि ये कितनी गंभीर बात है। जब उसने ये दिया तो अपने नाम की शपथ ली है। अध्याय 6 और चलिए वचन 13 और 14 पढ़ती हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय यहाँ पर वो कहता है, वाचा की प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, हमने इसका अध्ययन किया कि कैसे अलग अलग स्तर पर परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी। तो ये कहता है, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा। तो परमेश्वर ने जब अब्राहम से प्रतिज्ञा की तो उसने ये नहीं कहा मैं ये करना चाहता हूं, लेकिन उसने अपने नाम की शपथ खाई क्योंकि उससे भी कोई बड़ा उपलब्ध नहीं था। देखिए, जब हम शपथ लेते हैं, देखिए कई बार लोग हम पर विश्वास नहीं कर सकते इसलिए शपथ लेते हैं। लोग कहते हैं मेरे माँ की कसम। यहां पर माँ की बात बीच में क्यों आती? क्योंकि वो हम पर नहीं, हमारी माँ पर भरोसा करते हैं। हम अच्छे नहीं हैं लेकिन माँ अच्छी है तो हम माँ के नाम को बीच में लेते, कहते हैं माँ की कसम। कई बार परमेश्वर को खींच लेते, कहते हैं परमेश्वर की शपथ मैं इसे करूंगा, ये कहते हैं। जब आप शपथ लेते हैं तो हमेशा शपथ लेने के लिए अपने से बड़े को लेते हैं। तो परमेश्वर किसे लाएगा? उससे बड़ा कोई नहीं है, तो उससे बड़ा कोई उपलब्ध नहीं था, तो उसने अपनी ही शपथ ली। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की, उसने खुद की शपथ खाई, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। इसका मतलब है कि निश्चय ही मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तुझे निश्चय ही बहुगुणित करूंगा, ये जरूर होगा। याद है जब परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी, जानते जब उसने अब्राहम को ये प्रतिज्ञाएं बताई, अब्राहम ने कहा मैं कैसे जानूंगा कि ये पूरी हो जाएगी, मैं किससे जानूंगा? परमेश्वर ने तुरंत कहा एक जानवर को दो भाग में काटना और उसके बीच में से होकर परमेश्वर जाता है। बाइबल कहती है वो क्या कह रहा था? परमेश्वर अब्राहम से ये कह रहा था, अब्राहम ने कोई सवाल नहीं पूछा उस दिन, मैं आपको बता रहा था, क्योंकि अब्राहम लहू की वाचा को समझता था, तो उसने उसके टुकड़े किए वहां पर रखा। वो इस बात को समझता था कि इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर उन टुकड़ों के बीच में से होकर चला। उन दिनों में इसे सिद्ध तरीके से समझ गए थे क्योंकि लहू की वाचा सामान्य बात थी। उन दोनों टुकड़ों के बीच में परमेश्वर चलते हुए कह रहा था, मैंने जो तुमसे कहा है उसे अगर मैं नहीं करूं तो मैं भी ऐसे हो जाऊं इस मरे हुए जानवर जैसे, मैं फिर वहां पर नहीं रहूंगा अगर मैं वो नहीं करूं जो मैंने कहा है। अगर परमेश्वर ही नहीं रहेगा तो संसार भी नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर इस संसार को थामे हुए है। यानी परमेश्वर अगर अपनी एक प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर वहां नहीं रहेगा। उसने कहा मैं वहां नहीं रहूंगा, अगर मैं वहां पर नहीं रहूंगा तो कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि सब कुछ मैंने ही बनाया और सब कुछ मेरे ही द्वारा स्थिर किया गया है। प्रभु की प्रतिज्ञाएं इतनी ही गंभीर हैं और इसलिए हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को देखना है कि ये बहुमूल्य हैं, ये तो बहुत ही बहुमूल्य है और ये तो हमें कभी भी असफल नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर कहता है अगर मैं एक प्रतिज्ञा में चूक जाऊं तो सारी बातें बंद हो जाएगी, तो मैं खत्म हो जाऊंगा और फिर इसके कारण सब कुछ बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्रभु ने शपथ ली। देखिए यहां पर परमेश्वर के बारे में, यानी यहां पर एक बात तो इसके बारे में ये है और वो है जब प्रभु ने प्रतिज्ञा की वो हमेशा ये था कि मैं इसे करूंगा, ये कभी ऐसा नहीं था कि तुम ये करो। जानते हैं ये एक तरफा था, वो कह रहा था कि मैं इसे करूंगा, मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि यहां पर कुछ स्थापित करना चाहता हूं, मैं दिखाना चाहता हूं कि कैसी प्रतिज्ञाएं पूरी तरह से परमेश्वर पर आधारित थी, परमेश्वर की भलाई पर और उसकी विश्वास योग्यता पर और हम पर आधारित नहीं थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर ये हम पर आधारित होती तो यह आसानी से असफल होती क्योंकि हम असफल लोग हैं, लेकिन अगर ये प्रभु पर आधारित है, उसकी विश्वास योग्यता और भलाई पर और सच्चाई पर, तो ये कभी टल नहीं सकती। मैं ये बताना चाहता हूं, इसलिए चलिए शुरू से इसे देखते हैं। मैं यहां पर 2 या 3 वचन पढ़ना चाहता हूं ताकि आपको दिखाऊं कि कैसे जब भी परमेश्वर ने वाचा की प्रतिज्ञा दी ये तो हमेशा एक तरफा थी और वो हमेशा ये कह रहा था कि मैं इसे करूंगा और कभी ये नहीं कि तुम क्या करोगे। ठीक है, अब देखिए उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 15 में, जैसे मनुष्य पाप करता है परमेश्वर आता है आदम हव्वा और शैतान के पास आकर वो कहता है, आदम के पाप के बाद उन दोनों में कभी कोई पश्चाताप नहीं था। अगर आप बाइबल की इस कहानी को पढ़ते हैं यहां पर कोई पश्चाताप नहीं दिखता कि वो परमेश्वर को पुकार कर कहने लगे कि हमने पाप किया, मुझे सही कर, मुझे क्षमा कर,
मुझे वापस ले, मैं तेरा होना चाहता हूँ, ये गड़बड़ी नहीं चाहता हूँ। देखिए, ऐसी कोई भी बात नहीं थी, वो बस परमेश्वर को कह रहे थे पतन के कारण वो किस दर्द में से होकर जा रहे हैं। लेकिन पश्चाताप नहीं किया, उन्होंने उससे माफ़ी नहीं मांगी। क्या कभी ऐसे लोगों को देखा है? वो कभी माफ़ी नहीं मांगते हैं। आदम और हव्वा भी वैसे ही थे, माफ़ी नहीं मांगी। बस यही कि हमने इसे किया, हमने खुद को नंगा पाया, इसलिए हमने ये सब कुछ किया। वो तो कारण बता रहे थे कि क्यों अंजीर के पत्ते बांधे थे, लेकिन कभी ये शब्द नहीं कहा कि प्रभु हमें माफ़ कर, मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं गलत था, तू सही था, तो अभी मुझे तू किसी न किसी तरह से छुटकारा दे इन सारी परिस्थिति जिसमें मैं आ चुका हूँ। ऐसे शब्द कभी नहीं कहे, लेकिन सच में वो जाकर प्रभु से छिप गए, आशा करने लगे प्रभु चला जाएगा कि वो हमेशा वहाँ पर खुशी से रहे। बिल्कुल उसी दशा में परमेश्वर उन्हें ढूंढता है, कहता है आदम कहाँ पर हो, उन्हें ढूंढता है, उनसे बातें करता है, और वो शैतान से कहता है। जब वो शैतान से कहता है तो मसीहा के आने के बारे में पहली प्रतिज्ञा देता है। हमने इसे पहले भी पढ़ा है, चलिए फिर से पढ़ते हैं। 3:15 में, मैं तेरे और स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। आप यहां पर पाएंगे कि परमेश्वर ने कभी मनुष्य के उद्धार के लिए उसे कुछ भी करने के लिए नहीं कहा। यह तो वचन है कि कैसे उद्धार करता आएगा और कैसे उद्धार आएगा, कि कैसे छुटकारा आएगा मनुष्य के लिए, मनुष्य जाति के लिए। इसमें कुछ भी नहीं कि मनुष्य को इसके लिए क्या करना, यह सब है कि परमेश्वर क्या करेगा। वो कहता है मैं करूंगा। ये शब्द जो है आप यहां पर आने वाले वचनों में देखेंगे, जो मैं यिर्मयाह और यहेजकेल से पढ़ूंगा नई वाचा के बारे में। मैं करूंगा, ये महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर कहता है मैं करूंगा, मैं अपने ऊपर ये सब कुछ लेता हूं कि मैं इसके बारे में कुछ करूं। उद्धार तो मेरा काम है, छुटकारा मेरा काम है, मैं इसे करूंगा। मैं बैर उत्पन्न करूंगा तेरे और स्त्री के बीच, इसके वंश और तेरे वंश के बीच, और वो तेरा सिर कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये बता रहा है कि कलवरी के क्रूस के ऊपर में क्या होगा। वहां शैतान पूरी तरह से हरा दिया गया और इस उद्धारकर्ता के द्वारा छुटकारा और उद्धार जो है मनुष्य जाति के पास में आएगा। ये स्त्री का बीज है जो कि यीशु है जो उद्धारकर्ता होगा। यानी इस पहली ही प्रतिज्ञा में देखिए जो परमेश्वर ने की थी, ये तो एक तरफा थी, इसमें कुछ भी नहीं था कि आदम को क्या करना है, हव्वा को क्या करना है। उसने ये नहीं कहा कि इसके बाद में सावधान रहना, जानते हैं, अच्छे रहना, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उसने कहा कि मैं इसे पूरा करने के लिए सब अपने ऊपर लेता हूं, मैं ये करूंगा, वो कहता है। अब चलिए देखते हैं उत्पत्ति अध्याय 22, जैसे इतिहास आगे बढ़ता है, परमेश्वर फिर से कहता है अब्राहम के साथ बात करते हुए, परमेश्वर खुद को और अपने उद्देश्यों को प्रकट करता है। चलिए वचन 17 और 18 पढ़ते हैं। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, प्रभु अब्राहम से कहता है, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारांगण के समान अगणित करूंगा और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अगणित करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। यहां पर बहुत सी बातें कहता है, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, दूसरी बात मैं तुम्हें बहुगुणित करूंगा, और तेरा वंश तो समुन्द्र के रेत के जैसे होगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, मतलब शत्रुओं पर विजयी होंगे। ये शैतान जो उन्हें बड़ी परेशानी में लाया है, तुम्हारा वंश उन पर अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी। तो ये प्रतिज्ञाएं की गई, मैं तुझे आशीष दूंगा, बहुगुणित करूंगा, और तेरे वंश को समुद्र के रेत के जैसे बढ़ाऊंगा, और तू अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएगी। अब देखिए, ये तो वही प्रतिज्ञा है जो उत्पत्ति 3:15 में की गई थी, अलग शब्दों में ये कही गई, लेकिन इसका सार तो बस वही है। अब शायद आप इसे उसके जैसे न देख पाए, लेकिन बताऊंगा ये कैसे समान है। देखिए, वहां पर मैंने बताया कि आने वाले मसीहा की प्रतिज्ञा है, उत्पत्ति 3:15 भी ऐसा ही है। ये तो आने वाले मसीहा की प्रतिज्ञा है, क्योंकि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे, इस तरह से ये कहता है। कैसे? अब्राहम के वंश में पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएगी। अब्राहम का वंश क्या है? अब्राहम का वंश केवल इसहाक और याकूब नहीं, इसहाक, याकूब, यूसुफ और इसराइली लोग और ये सब लोग नहीं। देखिए, अब्राहम का वंश हमें गलातियों अध्याय 3 में बताया गया, अगर आप वचन 16 पढ़ते हैं, कि जब परमेश्वर ने कहा
जब यह अब्राहम के वंश के बारे में कहता है तो यह बहुतों के बारे में नहीं है। पौलुस कहता है उसने बहुत से वंशों के बारे में नहीं कहा लेकिन एक वंश के बारे में कहा। यह एक कौन है? यह वंश तो मसीह है, वो कहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, बाइबल ही इसका अर्थ बताने पाए। पौलुस कहता है कि वो वंश तो मसीह यीशु है, यानी अब्राहम का वंश तो मसीह है। तो इस वचन को आप इस तरह से पढ़ सकते हैं, वचन 15 ऐसे पढ़ सकते हैं, मसीह में पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएगी। और यह बिल्कुल सही है क्योंकि तेरे वंश में, मतलब मसीह में, यानी यीशु का जन्म अब्राहम के वंश के रूप में होगा और वो उद्धार देगा। और उद्धार जो है वो तो हर एक घराने में आएगा और ये तो हर मनुष्य के पास में आएगा यीशु मसीह के द्वारा। यानी पृथ्वी के जो सारे कुल है वो आशीष पा सकते हैं अब्राहम के वंश के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। यानी ये भी आने वाले मसीहा की प्रतिज्ञा है लेकिन कुछ अलग शब्दों में बताई गई है, विवरण के साथ में है, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी यही बात है, वो है कि मैं करूंगा, प्रभु कहता मैं करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बहुगुणित करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये कहता है। ये इस बारे में है कि परमेश्वर क्या करेगा। अब देखिए यिर्मयाह अध्याय 31 में, यिर्मयाह अध्याय 31 में यहां ये भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करके कहता है नई वाचा आ रही है और वो बताता है कि ये नई वाचा किस तरह की होगी। अध्याय 31 वचन 33, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा। देखिए पहले से वाचा थी जो अब्राहम की वाचा थी लेकिन अब ये नई वाचा के बारे में कहता है और वो कहता है ये आने वाली वाचा है। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा, परमेश्वर कहता है, मैं अपनी व्यवस्था, देखिए अब बताता है कि उस वाचा में क्या करेगा। अब इसे गौर से सुनिए क्योंकि यहीं पर हमें विवरण दिया गया है कि क्यों ये वाचा, नई वाचा बेहतर है पुरानी वाचा से। इसे बेहतर वाचा बताया गया है इब्रानियों की पत्री में। इसे बेहतर वाचा क्यों कहा गया है, क्यों प्रतिज्ञाओं को बेहतर प्रतिज्ञाएं माना गया है, गौर से सुनिए। मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। अब देखिए फिर से एक बार मैं यहां पर आपको इस बात के बारे में कहता हूं, ये शब्द मैं करूंगा, बाइबल का अर्थ लगाने में सबसे पहली बात जो मैंने सीखी थी वो है, सबसे पहले उस वचन को देखिए या अध्याय को देखिए या अध्याय के उस भाग को देखिए और देखना शुरू करें कि कौन से शब्द या वाक्य बार बार आते जाते हैं, दोहराए गए हैं, क्योंकि वही पर तो सारी बात है, यही तो ये मुद्दा है। अब अर्थ लगाने के इस नियम का उपयोग करते हैं तो यहां ये शब्द या वाक्य कहिए जो बार 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 आता है वो ये है कि मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। देखिए कितनी बार कहता है, कितनी बार आया है परमेश्वर कहता है मैं करूंगा, मैं करूंगा। वो कहता है कि मैं इसराइल के घराने के साथ में वाचा बांधूंगा, मैं उनके मन में अपनी व्यवस्था डालूंगा, मैं उनके दिलों में इसे लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर और वो मेरी प्रजा होंगे। देखिए मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा, मैं उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। ये सब इस बारे में है कि परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर क्या करेगा इस नई वाचा में। परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में रखूंगा। इसराइली लोगों के लिए असली समस्या थी क्योंकि व्यवस्था पत्थर की पटिया पर लिखी गई थी लेकिन वो उनके दिल में कभी नहीं गई। ये तो दिल की समस्या थी, उन्होंने कभी इसका पालन नहीं किया। देखिए कभी किसी को ऐसा नहीं बना सकते कि वो प्रभु से प्रेम करने लगे। जानते हैं किसी को अपनी पत्नी से प्रेम करने लगा सकते हैं? देखिए सब लोग ऐसे बैठे हैं, हम इस बातचीत में भागी नहीं होना चाहते हैं, जानते हैं। मैं समझ सकता हूं लेकिन क्या कोई आपको ऐसे बना सकता है कि आप अपनी पत्नी से प्रेम करें या फिर पति से? देखिए ऐसे नहीं होता है, ये तो आपके दिल में कुछ होना चाहिए। प्रभु के साथ ऐसा ही है, प्रभु से प्रेम करने ऐसे नहीं लगा सकते हैं। परमेश्वर कहता है कोई और ईश्वर न रखो। हाँ, और देखिए यीशु ने जो 10 आज्ञाएं थी उनका सारांश बस केवल दो ही आज्ञाओं में दिया और उन दो आज्ञाओं में से एक आज्ञा ये है कि प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे मन से, अपनी आत्मा से, अपने दिल से और शक्ति से प्रेम करो। यानी आज्ञा का सार यह है कि परमेश्वर से प्रेम करो, पूरे दिल से प्रभु से प्रेम करो। लेकिन देखिए अगर ये आपके दिल में नहीं है तो आप परमेश्वर से कैसे प्रेम करेंगे? यानी यह आज्ञा तो केवल बाहरी रूप में वहां पर बनी थी, इसको मानने की कोशिश की लेकिन वो बार बार असफल होते रहे आज्ञा को मानने में क्योंकि उनका दिल इसमें नहीं था। ये दिल की समस्या है।
यानी परमेश्वर कहता है कि नई वाचा जो है वो तो बेहतर वाचा होगी, ये पत्थरों की पटिया पर नहीं होगी लेकिन ये उनके दिल में होगी। मैं निश्चित करूंगा कि उनके दिल में ये उतार दूं, कि अपने दिल में वो परमेश्वर से प्रेम करेंगे, अपने दिल में प्रभु की आज्ञाओं से प्रेम करेंगे, उनके दिल में ये जिज्ञासा होगी कि वो प्रभु के लिए जिए। तो मैं व्यवस्था को उनके भीतरी भाग में रखूंगा और उनके दिल में इसे लिखूंगा। क्या कोई ये कर सकता है? प्रभु कहता है मैं इसे करूंगा, नई वाचा में मैं इसे करूंगा, और इसलिए नई वाचा एक बेहतर वाचा है। This is the season of jubilee. This is the season of jubilee. Singing and dancing for you and me. Singing and dancing for you and me. Thanking and praising because we're free. Thanking and praising because we're free. Oh, this is the year of jubilee. Oh, this is the year. Don't you believe? Put your hands together. Everybody praise the Lord. Put your hands together. Sing and shout and praise the Lord. Everything that was stolen shall be returned unto me. Mother, father, sister, brother, they will all go free. Everything that was stolen shall be returned unto me. Singing, dancing, praising, shouting, increase in victory. Sing that again. Everything that was stolen shall be returned unto me. Mother, father, sister, brother, they will all go free. Everything that was stolen shall be returned unto me. Singing, dancing, praising, shouting, increase in victory. Shall be returned unto me. Mother, father, sister, brother, they will all go free. Everything that was stolen shall be returned unto me. Singing, dancing, praising, shouting, increase in victory. This is the season of jubilee.